एनएसयूआई नेता रवि परमार ने बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नर्सिंग घोटाले का फर्जी वीडियो ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर यह हरकत की है। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने कहा कि मेरा गलत वीडियो भाजपा के नेताओं ने ट्वीट किया है। साथ ही कहा कि नर्सिंग घोटाले से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है और मैं इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ता रहूंगा और कोर्ट तक जाऊंगा। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि वीडियो फर्जी है। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अगर बीजेपी में दम है तो मेरे सामने आए और लाखों छात्रों का भविष्य बचाएं। मैंने जो ट्वीट किया है वो एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ पहले तो आशीष अग्रवाल से कि आपको उस वीडियो पे खुद को भरोसा नहीं है? जो भीकू मात्रे, ये भीकू मात्रे नाम का अकाउंट किसका है? क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई जर्नलिस्ट है जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसके अकाउंट से इस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है? मतलब किस तरह से इस पूरे वीडियो में देखा जा रहा है कि आशीष अग्रवाल जी ने उसको ट्वीट किया, लेकिन उसमें ये वो पुष्टि नहीं कर पा रहे कि वो सत्य है या झूठा है, वो स्वयं जब ये सिद्ध नहीं कर पा रहे तो इस तरह के फर्जी वीडियो के माध्यम से जो चार सालों से नर्सिंग के लाखों छात्रों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उससे भ्रमित करने के लिए इस तरह का वीडियो जारी किया गया है। इसमें हम कोर्ट में भी जाएंगे, साइबर ब्रांच में भी जाएंगे और हम दृढ़ता पूर्वक ये कहते हैं कि ये वीडियो फर्जी है और इतने बड़े आंदोलन को पंचर करने की बहुत खराब कोशिश है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।